जापानीज लोगों को फ्रेश फिशेस खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इनफैक्ट फ्रेश फिशेस उनको इतनी ज़्यादा पसंद थी कि फ्रेश फिशेस की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी थी, दे वर नॉट ईजिली अवेलेबल एनीमोर। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फिशरमैन थे उन्होंने सोचा कि हम समुद्र में अंदर जाकर फिशेस को पकड़ के लाएंगे और फिर अपने लोगों को खिलाएंगे, मार्केट में बेचेंगे। लेकिन इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई, फिशरमैन एक्चुअली समुद्र के जितने ज़्यादा अंदर जाके फिशेस को पकड़ के लाते थे उनको वापस लौटने में उतना ही टाइम लगता था, और उस दौरान उस टाइम में समुद्र के अंदर से वापस किनारे तक आने में काफ़ी टाइम लग जाता था, और उस टाइम में वो जो फिशेस थी उनकी फ्रेशनेस चली जाती थी, वो बासी हो जाती थी, और जापानीज लोगों को तो अपनी फिश फ्रेश ही चाहिए। वो बहुत आसानी से इस बात को पकड़ लेते थे कि ये जो फिशेस हैं ये फ्रेश नहीं हैं। तो फिशरमैन ने इसका एक और सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने क्या किया कि अपने बोट्स में रेफ्रिजरेशन यूनिट्स लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा कि रेफ्रिजरेशन यूनिट्स रहेंगे तो फिशेस बासी नहीं होंगे। तो अब वो समुद्र में जाके फिशेस को पकड़ के लाते थे, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स जो हैं उनके बोट्स में इंस्टॉल्ड रहते थे, और जब वो वापस उन फिशेस को पकड़ के किनारे पर लाते थे और मार्केट में बेचते थे, तो जापानीज लोगों ने उन फिशेस में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो फ्रोजन फिश और फ्रेश फिश का अंतर बड़ी आसानी से पकड़ लेते थे। वो बड़ी आसानी से बता देते थे कि ये जो फिशेस हैं ये फ्रेश नहीं है, ये फ्रोजन है, और फ्रोजन फिश में उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जितना कि फ्रेश फिश में था। इनफैक्ट फ्रोजन फिशेस की वजह से थोड़ा उनका मार्केट, जो फिशेस का मार्केट था वो भी ख़राब होने लगा, जो एक प्रॉपर रेट फिशेस का मिलना चाहिए था वो रेट नहीं मिल पाता था। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिशरमैन ने एक और सोल्यूशन निकाला, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बोट्स में टैंक्स फिट कर दिए, ठीक है, उन्होंने सोचा कि हम टैंक लेके जाएंगे, उस टैंक में मछलियों को डाल के और वापस लेके आएंगे। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई, वो क्या करते थे कि टैंक्स में फिशेस को भर लेते थे, ठीक है, अब फिशेस उस टैंक्स में भर जाती थी तो उनको मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती थी, तो जो फिशेस हैं वो टैंक के अंदर बहुत जल्दी मोशनलेस हो जाती थी, इनएक्टिव हो जाती थी, और उसकी वजह से उनमें एक डलनेस आ जाती थी, और फ्रेशनेस जो होनी चाहिए थी वो फ्रेशनेस उनमें नहीं बचती थी, वो फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती थी। तो अब जब वो वापस मार्केट में उन फिशेस को बेचने के लिए लाते थे तो जापानीज बड़ी आसानी से वो फ़र्क बता देते थे कि ये फिश भी फ्रेश नहीं है, और उनको उस फिश में भी मज़ा नहीं आता था। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर एक टैंक में शार्क्स डाल दिए, और वो शार्क वाले टैंक में वो फिशेस को भरते थे और फिर वहाँ से किनारे तक लेके आते थे। तो इससे क्या होता था कि जो शार्क है वो शार्क उन मछलियों को खाने के लिए दौड़ता था पूरे टैंक में, और अपनी जान बचाने के लिए वो मछलियाँ पूरे टैंक में दौड़ती थी उस शार्क से बचने के लिए, यहाँ वहाँ भागती थी, और इस चक्कर में वो एक्टिव रहती थी, वो मोशन में रहती थी, हर समय यहाँ से वहाँ मूव करती रहती थी। अब ऑब्वियसली शार्क कुछ फिशेस को खा जाता था, लेकिन जो फिशेस बच जाती थी वो फिशेस शोर तक किनारे तक फ्रेश और एक्टिव आती थी, और वो फिशेस जब जापानीज ने खाना शुरू किया तो वो एकदम फ्रेश थी, वो खाते उनको मज़ा आया। तो अब मैं ये स्टोरी आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, मैं ये स्टोरी आप लोगों को यह समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उन फिशेस की तरह वी ऑल्सो नीड सम रीजन्स टू कीप आवर सेल्फ एक्टिव एंड फ्रेश। अगर हमारे पास कोई कारण नहीं है, ठीक है, तो हम भी डल हो जाते हैं, हम बहुत लेजी हो जाते हैं, और हम बड़ी मोशनलेस लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन हमारे पास कोई रीज़न है, वो रीज़न जो हमको पुश करता रहता है, जिसकी वजह से हम मूव करते रहते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी कीप ऑन मूविंग एंड वी कीप ऑन रनिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, एंड दैट मूवमेंट कीप्स अस फ्रेश, कीप्स अस एक्टिव। सो हम सबको कुछ कारण चाहिए जिसकी वजह से हम फ्रेश और एक्टिव रहते हैं।
तो वो कारण क्या हो सकता है? वो कारण हो सकता है आपका पर्पस हो सकता है, कोई चैलेंज हो सकता है दैट यू हैव थ्रोन टू योरसेल्फ, कोई गोल हो सकता है जो आपने अपने लिए सेट किया है। तो आप अपने लिए अगर टाइम टाइम पे नए नए चैलेंजेस को थ्रो करते रहेंगे और आप टाइम टाइम पे अपने लिए नए नए गोल सेट करते रहेंगे, तो टू कन्फ्रंट दोज चैलेंजेस एंड टू फुल एंड टू अचीव दोज गोल्स, यू विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग। आप यहाँ से वहाँ भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एंड दैट एक्टिवनेस विल कीप यू अलाइव, विल कीप यू फ्रेश। इनफैक्ट एक साइकोलॉजिस्ट हैं शॉन हैकर, तो उन्होंने एक बुक लिखी है द हैप्पीनेस एडवांटेज, और हैप्पीनेस एडवांटेज में उन्होंने हैप्पीनेस को डिफाइन किया है कि हैप्पीनेस इज द जॉय यू फील मूविंग टुवर्ड्स योर पोटेंशियल। सो लाइक व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर रियल पोटेंशियल, यू फील अ सर्टेन जॉय इन योर सेल्फ, एंड दैट जॉय इज द रियल हैप्पीनेस दैट एनीबडी कैन फील।